यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान में ऑनलाइन शामिल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी भोपाल में आयोजित इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद भूपेंद्र चौधरी से न्यूज वन इंडिया के संवाददाता ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ महत्वपूर्ण कहा है, आपको सुनवाते हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत पे आज प्रधानमंत्री मोदी ने मूल मंत्र देते हुए बात की है। हमारे साथ कुछ बात करने के मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। 2024 का कहीं ना कहीं मूल मंत्र देते हुए आज नजर आए प्रधानमंत्री जी। नहीं, हमारी पूरी तैयारी है और हमारा पूरा अभियान देश के प्रधानमंत्री जी के सेवा सुशासन गरीब कल्याण को समर्पित 9 वर्ष का कार्यकाल है। उन सारे कामों को हम लेकर जो जो हमारी सरकारों ने मोदी जी के नेतृत्व में काम किए वो जनता के बीच में हम लगातार जा रहे हैं। आज उसी कार्यक्रम का एक हिस्से के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भोपाल से मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद के कार्यक्रम में पूरे हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है और हमारा पूरा रोड मैप उन्होंने बताया है, हमारे लिए मार्गदर्शन किया और वो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का विषय है और उन सारे विषयों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। आज विपक्षी एकता पर भी कहीं ना कहीं सवाल करते हुए तीखा सवाल हमला करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। नहीं, अब ये सब लोग सरकारों में रहे हैं और इन सरकारों में इनके पास गिनाने को दिखाने को कुछ नहीं और इन्होंने जो अपनी सरकारों के समय भ्रष्टाचार परिवारवाद अराजकता की है उन सारे विषयों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए गठबंधन गठबंधन राग बलाप रहे हैं और देश की जनता का गठबंधन मोदी जी से है और भाजपा का गठबंधन जनता से है। तो ये तो अध्यक्ष जी जो बताया थे कि जनता का गठबंधन मोदी से है और मोदी का गठबंधन जनता से है, इसीलिए अब 2024 में फिर से एक बार मोदी में होगा भारत। वीडियो न्यूज़ वीरेंद्र के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।